अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़ा, जो बहुत ही आसान और जल्दी से बन जाएगा। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। ये सब सामान चाहिए शाही टुकड़ा के लिए: 1 लीटर दूध, 1/2 कप शुगर, पिंच ऑफ सैफ्रॉन फूड कलर और कार्डमम, थोड़ा सा एलमंड स्लाइस कटा हुआ, पिस्ताशू स्लाइस। और ये ब्रेड और फ्राई के लिए ऑयल। दूध को पतीली में डाल देते हैं। इसको बॉईल होने देंगे। इसको अच्छी तरीके से चला लें, दूध को उबलने के लिए छोड़ दें। ये देखें, अब इसमें मिलाएंगे शुगर, थोड़े से बादाम कटे हुए, थोड़े से पिस्ता और छोटी इलायची। उसे खोल के डालते हैं ताकि इसकी खुशबू, उसका फ्लेवर आ सके। और सैफ्रॉन और ज़ाफ़रान, सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए, सबको अच्छी तरीके से मिला लें, अच्छे से चला लें और इसको अच्छी तरीके से उबलने के लिए छोड़ दें। ये देखिए, दूध की क्वांटिटी कम हो गई है, ये कंडेंस हो चुका है। इसे अभी अच्छे से पकाना है 10 से 15 मिनट। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया। अब ब्रेड को मैं 2 पीस से आधा कर दूंगी, आप चाहें अपने हिसाब से इसको। मैंने इसको ट्रायंगल शेप में काट दिया है इस तरह से, आप अपने हिसाब से कट कीजिए। आपको स्क्वायर चाहिए, ट्रायंगल चाहिए। ये देखिए, सब ब्रेड को मैंने काट लिया। तेल चाहिए फ्राई के लिए। ये देखिए, ब्रेड को मैंने तेल में डाल दिया। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, हाई फ्लेम पे है। इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं तलना है, बस लाइट ब्राउन कलर इसको चाहिए। दोनों तरफ से इसको तल लेंगे, इस तरह से निकाल लें। उसके तेल, बचे हुए तेल को निकाल कर ये डिश में डाल दें इसको अच्छे से। बचे हुए ब्रेड को भी तल लेंगे। ये देखिए, ये सारे तेल निकल गए। उसको एक डिश में कर दिया जिसमें हम लोग को सर्व करना हो। अभी दूध की रबड़ी गर्म है, उसको उसके ऊपर डाल देंगे, अच्छी तरीके से फैला लेंगे। सारे दूध को उसमें मिला लिए। ऐसा बर्तन ले जिसके अंदर वो डिप हो सके। ये देखें, चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरीके से दबा दबा के उसके अंदर जितना भी ये रबड़ी है उसको अच्छी तरीके से डाल दें, ताकि अच्छे से वो एब्जॉर्ब कर सके ब्रेड, उसके अंदर अच्छा सा फ्लेवर आए, टेस्ट आए। ये देखिए, शाही टुकड़ा हमारा तैयार है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।